तो असली राम कौन है? तो अभी जो है सोशल मीडिया पर हाल ही में जो है एआई द्वारा जनरेटेड भगवान श्री रामचंद्र का जो इमेज जो है बनाया गया था, जिसको कहा जा रहा था कि वाल्मीकि रामायण, कंभ रामायण और रामचरितमानस तीनों को मिलाकर जिसमें भगवान श्री रामचंद्र के जितने भी चरित्र का वर्णन किया गया उसके हिसाब से एआई द्वारा ये इमेज तैयार किया गया है, जिस पर बहुत सारे विवाद हुए। जहाँ हमारे अगर बात करें तो हमने भी इस पर वीडियो बनाए हुए हैं कि श्री रामचंद्र जी की छवि असल में कैसी थी और वो क्या सच में ऐसे ही दिखते थे, तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ बात चल रहा है कि आदि पुरुष में दिखाए जाने वाले श्री रामचंद्र जी, रामायण रामानंद के सागर जी वाले रामचंद्र जी और एआई द्वारा जनरेटेड रामचंद्र, तीनों में से कोई कौन सा जो है श्री राम की असली छवि को जो है मैच कर पाता है। या हम कंपेयर करके देखते हैं कि श्री रामचंद्र की जो असली छवि है जो लोगों के मन में है वो किससे ज़्यादा मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो है आदि पुरुष के श्री रामचंद्र की, जिसको भी हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है लेकिन फिर भी आपको बात कर देते हैं कि प्रभास का जो इसमें लुक देख लीजिए, भगवान श्री रामचंद्र जी को इतना मस्कुलर दिखाया गया है, बियर्ड के साथ, मूछों के साथ, इतने बड़े बड़े बाल और वो भी उन्हें जो है चमड़े के जूतों के साथ दिखाया गया है। जहाँ उनके धनुष को देखिए, नए स्टाइल द्वारा धनुष दिया गया है। भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान श्री राम कम रावण ज़्यादा लग रहे हैं अगर कहा जाए तो, और ये इससे आप भी सहमत अवश्य होंगे कि कुछ श्री रामचंद्र जी की जो छवि है एक सुकोमल सुकुमार की है, ना कि ये ऐसे मस्कुलर या फिर मर्दाना या फिर ये जो प्रौढ़ अवस्था वयस्क श्री राम की है, क्योंकि वो एकदम सुकोमल सुकुमार और किशोर अवस्था वाले भगवान श्री रामचंद्र जी सदैव ऐसे दिखते थे। उन्हें मूछों और बियर्ड के साथ तो दिखाने नहीं चाहिए थे, इससे तो हम कभी सहमत नहीं थे। तो प्रभास का जो लुक है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के अनुरूप और वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अनुरूप कहीं भी नहीं ठहरता है। क्यों? तो दूसरी बात आ जाते हैं हमारे एआई द्वारा जनरेटेड भगवान श्री रामचंद्र जी की, जहाँ आप ये इसमें देख सकते हैं सुकोमल सुकुमार टाइप के बताया गया है, लेकिन ये जो लुक है भगवान श्री रामचंद्र जी के तेज रहित लुक है। अर्थात हम ये तो कह सकते हैं कि श्री रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, श्री रामचरित मानस में और कंभ रामायण में वर्णित भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र को लेकर, उनके एक एक गुण को लेकर एआई द्वारा जनरेटेड इमेज बनाया जा सकता है। भले स्माइल करते हो, भले सीरियस लुक में हो, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र के चेहरे का जो तेज है जो असल में था वो एआई कैसे बना सकता है? भले आप कहें कि राम जी ऐसे दिखते थे, लेकिन हमारे मन में जो राम की छवि है वो क्या ऐसी है? आप अपने आप से प्रश्न करके देखिए। मेरे मन में जो राम की छवि वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। और रही बात भगवान श्री रामचंद्र ऐसे दिखते थे तो चलो मान लिया कि ऐसे दिखते थे, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र के चेहरे पे जो असल तेज रहा होगा वो एआई कभी बना सकता है? आप बताइए, क्या वो बना सकता है कभी? हम भले छत्रपति शिवाजी महाराज की तभी फोटो बना, हम महाराणा प्रताप की तभी फोटो बना ले, लेकिन क्या असल में वो व्यक्तित्व जो है जो जिनमें उन वो तेज रहे हो गए वो क्या हम बना सकते हैं? क्या हम वो उसका चित्रण एआई द्वारा किया जा सकता है? कभी भी नहीं। तो ये जो है एआई द्वारा बनाया गया इमेज है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र के जो चरित्र जो है असल में जो मनुष्य की जो तेज होता है उसको जो है वो एआई द्वारा कभी भी जो है नहीं दिखाया जा सकता। एआई इसमें कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो अब बात कर लेते हैं रामानंद सागर जी द्वारा रामायण में अरुण गोविल जी द्वारा भगवान श्री रामचंद्र के जो चरित्र जो प्रस्तुत किया गया है उसमें जो है श्री राम जी जो है कितने खरे उतर पाते हैं। तो अरुण गोविल जी के द्वारा जो भगवान श्री रामचंद्र का जो चरित्र है जो प्ले किया गया है ये जो है सबसे लोकप्रिय है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके बाद जो राम जितने भी आए, इतने इनके बाद जो आएंगे, इनके पहले जो आए, उनको सभी द्वारा लोगों के द्वारा भुला दिया गया, क्योंकि श्री रामचंद्र की अगर हम बात करते हैं तो केवल अरुण गोविल जी की छवि हमारे मन में आती है जो कि उनके द्वारा निभाया गया था। क्यों? क्योंकि ये वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस सब पे खरा उतरता ही है, क्योंकि सुकोमल सुकुमार जैसा लुक उनका देख लीजिए, मस्कुलर भी उतना नहीं है, एकदम सीधा सा, एकदम सुडोल सा शरीर, एकदम शांत पूर्वक, और मन में वो जो उनके चेहरे पे जो सदैव मुस्कुराहट रहती है और एकदम शांत स्वभाव और तेज से जो भरा हुआ उनका चेहरा है, और जो सबसे बड़ा जो लुक उनको दिया गया है सन्यासी भेष में श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो लुक दिया गया है रामानंद सागर जी के रामायण में, वो जो है हर प्रकार से वाल्मीकि रामायण, कंभ रामायण और रामचरितमानस में खड़ा उतरता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वही श्री राम है या फिर ऐसे ही थे श्री राम, लेकिन इन दोनों में से प्रभास से और एआई द्वारा जनरेटेड श्री रामचंद्र से अगर तुलना करके देखें वो किसी प्रौण अवस्था वाले नहीं दिख रहे, सुकोमल सुकुमार की तरह दिख रहे हैं, प्लस उनके जो चेहरे में जो है तेज है जो कि एआई द्वारा जनरेटेड रामायण वाले जो भगवान श्री रामचंद्र के जो एआई द्वारा जनरेटेड जो इमेज है उसमें नहीं है। तो दोनों तुलना कर लीजिए, प्रभास की तरह मस्कुलर भी नहीं है, उनका बियर्ड भी नहीं है और 3D मॉडल की तरफ भी नहीं दिख रहे हैं वो, और प्लस AI द्वारा जनरेटेड जो भगवान श्री रामचंद्र का जो इमेज है उस पर जो है भावनाहीन दिख रहे हैं भगवान श्री राम जी, उनके चेहरे पे वो तेज ही नहीं है वो। और यहाँ हमारे रामानंद सागर जी के रामायण के जो श्री रामचंद्र जी हो, सीता जी हो, लक्ष्मण जी हो, जो या फिर जो भी कैरेक्टर हो, एक एक जो है परफेक्ट कास्ट लगता है, क्योंकि उनमें जो है वो छवि दिखती है हमें भाई कि रामायण में ऐसे ही रहे होंगे कास्ट, भगवान श्री रामचंद्र हो, लक्ष्मण जी हो, भरत जी हो, शत्रुघ्न जी हो, फिर कोई भी हो, हनुमान जी हो या फिर अरविंद त्रिवेदी जी का रावण ही क्यों ना हो, तो इनमें वो छवि है कि श्री रामचंद्र जी रामायण के सभी पात्र ऐसे ही रहे होंगे।
तो ये तो थे तुलना हमारे कि प्रभास आदि पुरुष के रामचंद्र जी एआई द्वारा जनरेटेड रामचंद्र जी और रामानंद सागर जी में अरुण गोविल जी का चरित्र जो है रामचंद्र जी का, ये तीनों के बीच कंपैरिजन था। और हमारे हिसाब से तो यही था हमारा बात कि अरुण गोविल जी जो है परफेक्ट कास्ट हमेशा रहेंगे श्री रामचंद्र जी की भूमिका के लिए, और बाकी कितने भी आए कितने भी गए। तो आप इसके बारे में क्या मत है, क्या आपको परफेक्ट राम आदि पुरुष के प्रभास लगते हैं कि आपको परफेक्ट राम एआई द्वारा जनरेटेड इमेज जो है वो लगते हैं, या फिर जो है आपको अरुण गोविल जी द्वारा निभाया गया श्री रामचंद्र का जो किरदार है वो पसंद है? आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।